हेलो प्यारे बच्चों, आपका UPS एकेडमी में स्वागत है। और पिछले क्लास में डिटरमिनेंट्स में हम होमवर्क दिए थे, 3 होमवर्क्स था। पहले हम उस होमवर्क्स को बनाएंगे, आपको बताएंगे कैसे बनता है, फिर हम आगे बढ़ने वाले, ठीक है। तो देखो कैसे हम लोग बनाते हैं। तो शायद प्रश्न यही है जो बोर्ड पर लिखा हुआ था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 था, इतना बराबर है इतना, क्या करना था प्यारे बच्चों, प्रूफ करना था, ठीक है। तो चलो हम इसको प्रूफ करते हैं कैसे, ध्यान देना। देखो इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, तो आप क्या करो, LHS बराबर है, आप इसको उतारो। तो पहले से उतार के रखे हैं, क्योंकि आप लोग को उतारेंगे तो समय लगेगा, वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा इसलिए, ठीक है। तो आप इसको पहले क्या करो, LHS इक्वल टू उतार लो। अब देखो कि मुझे लाना क्या है, तो लाना है 1 + a² + कितना लाना है बच्चों, b² लाना है। तो RHS में क्या लाना है, 1 + a² + b². अब आपको दिमाग लगाना है कि इसमें क्या करें कि यह 1 + a² है, अब हमको + b² यहाँ चाहिए, यहाँ क्या है -b², ठीक है। अब देखो इसमें दिमाग लगाना है, इसमें क्या जोड़ें कि यह -b² से +b² बन जाए। तो प्यारे बच्चों जरा समझो, अगर हम इसमें +2b² अगर इसमें 2b² जोड़ेंगे तो 2b² -b² +b² आ जाएगा। तो बताओ, तो इसको 1 + a² +b² बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 2b². अब देखो यहाँ से R1 में, R2 में और R3 में क्या करके इसमें जोड़ें कि यहाँ 2b² जुड़ जाए। तो इसमें अगर हम b से गुना करते हैं तो 2ab² आएगा, काम नहीं बनेगा। इसमें b से गुना करेंगे, अगर हम R3 में b से गुना करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2b², और 2b² को जैसे ही इसमें जोड़ेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + a² + b² आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए, R3 में किससे, b से गुना करके R1 में जोड़ना चाहिए। जैसे ही हम R3 में b से गुना करके R1 में जोड़ेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + a² + b² जो हमको चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, समझ में आ गया ना पहला स्टेप। तो करना क्या पड़ेगा, R1 में जोड़ना है R3 में किससे गुना करके, तो R3 में b से गुना करके R1 में क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो यहाँ तो बन गया अपना काम कि जैसे ही R3 में b से गुना करके R1 में जोड़ेंगे यहाँ 1 + a² + b² बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, तो यहाँ पे 1 है, -a² है, +b² है। अगर हम यहाँ पे +2a² मतलब 2a² यहाँ हम जोड़ दें तो 2a² और -a² क्या हो जाएगा, +a² हो जाएगा। तो इसमें क्या जोड़ना है हमको, यहाँ पे जोड़ना है 2a² जोड़ना है, 2a² जैसे ही इसमें जोड़ेंगे यह बन जाएगा, यह वाला टर्म बन जाएगा 1 + 2a² और -a² a² और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, b², ठीक है। तो चलो, तो R3 में क्या करें और इसमें जोड़ें कि जो है यह -2a² 2a² बन जाए। तो बताओ इसमें क्या जोड़ना है, 2a² जोड़ना है, 2a² जोड़ना है। अब बताओ यहाँ है -2a है, अगर हम इसमें a से गुना करेंगे, अगर हम इसमें क्या करेंगे a से गुना करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा -2a² हमको +2a² जोड़ना है। तो इसमें -a से गुना करेंगे, जैसे ही -a से गुना करेंगे इसमें यह -a और a माइनस प्लस बन जाएगा, +2a² हो जाएगा, इसमें जोड़ देना है। तो बताओ तो यहाँ पर 1 + a² + b² बनाने के लिए R3 में किससे गुना करना पड़ेगा, -a से, -a से जैसे ही गुना करेंगे यहाँ बन जाएगा +2a² और इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो बताओ तो तथा R2 में क्या करना पड़ेगा, R2 में जोड़ना पड़ेगा किससे, R3 में -a से गुना करके, R3 में किससे गुना किए, -a से गुना करके और R2 में क्या करें, जोड़े, इतना का क्या करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने पर। ये तो बात सबको समझ में आ गया। अब चलो जो जो आप ऑपरेशन लगाए हो लगाओ यहाँ पे, तो बराबर है, देखो आराम से, इसमें b से गुना करके इसमें जोड़ो तो क्या आएगा, इसमें b से गुना करके इसमें जोड़ेंगे तो 2b² -b² +b² हो जाएगा। तो 1 + a² + कितना, b² हो गया। इसमें इसमें b से गुना करना था तो इसमें b से गुना करेंगे तो -2ab इसमें जोड़ेंगे तो +2ab यहाँ क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पहले से क्या है, -2b है, अब प्लस इसमें b से गुना करके इसमें जोड़ना था तो इसको तो उतार दिए ज्यों का त्यों, इसमें b से गुना करो और इसमें जोड़ो
तो इसमें बी से गुना करेंगे तो आ जाएगा बी इंटू वन माइनस ए स्क्वायर, माइनस कितना बी स्क्वायर है ना। तो मैंने आर वन में इसमें बी से गुना करके इसमें क्या किया, जोड़ दिया। आर वन में जोड़ना है, आर थ्री में बी से गुना करके इसमें बी से गुना करके यहाँ जोड़ दिए, आ गया जोड़ खत्म हो गया। अब चलो आर टू में देखो, आर टू में जोड़ना है आर थ्री में माइनस ए से गुना, तो माइनस ए से यहाँ गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो। अच्छा यहाँ क्या होगा, माइनस ए से गुना करेंगे तो प्लस टू ए स्क्वायर, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो यह हो गया टू ए, और इसमें क्या करना है प्लस, इसमें माइनस ए से गुना करना है, तो माइनस ए से गुना करके और उसमें जोड़ना है, तो हो जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। कुछ भी नहीं किए मैंने, आर टू में जोड़ा है, इसमें माइनस ए से गुना किए, तो इतना में ब्रैकेट के बगल में माइनस ए से किए, इसमें क्या किए जोड़ दिए। अब आर थ्री को आपने चेंज नहीं किया, आर वन बदल गया, आर टू बदल गया, आर थ्री को ज्यों का त्यों उतार देना है, तो क्या हो गया टू बी हो गया, माइनस टू ए हो गया, और यहाँ हो गया वन माइनस ए स्क्वायर और माइनस क्या चीज़ बी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप इसको यहाँ तक अच्छे से उतार लो, ठीक है, पॉज करके उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब देखो, चलो देखिए तो प्यारे बच्चों, अब इसको फिर से उतारो, तो लिखोगे बराबर है ना, बराबर डिटर्मिनेंट वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बच्चों यहाँ जीरो, अच्छा देखो तो जरा सब, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, बी कॉमन बाहर कर ले, यहाँ बी तो बाहर करो बी, तो बी बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस टू प्लस, अच्छा बी बाहर आ गया तो इस सबको उतार देना है, तो हो जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर और माइनस कितना बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर है, यहाँ जीरो है, यहाँ क्या है, यहाँ है वन प्लस ए स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो ए बाहर कॉमन लो, तो यहाँ बचा टू है ना, ए बाहर जैसे ही आएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ बचेगा माइनस वन, माइनस वन से सब में गुना करो तो ये हो जाएगा माइनस वन, और जो ये माइनस वाला है यह हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, आई क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, नहीं समझे, यहाँ से a जैसे ही बाहर आएगा, a बाहर आ गया तो यहाँ 2 बचा, यहाँ से a बाहर आएगा तो माइनस वन बचा, आई माइनस वन जो है प्यारे बच्चों इस सब में गुना हो जाएगा, तो माइनस वन इंटू वन माइनस वन, अब माइनस वन इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस वन इंटू माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब इसको उतारो तो यह आपका हो गया 2b, यह हो गया माइनस 2a, यह हो गया a माइनस कितना बी स्क्वायर। ओके इतना बात तो समझ में आ गया है, अब कैलकुलेशन करना है, बस कुछ नहीं करना, अब तो बन गया वन प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया ज़ीरो है ना। अब देखो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करो, इसको जोड़ो तो माइनस टू और प्लस वन, यहाँ हो गया माइनस वन, यहाँ हो गया माइनस ए स्क्वायर और माइनस कितना बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से ज़ीरो आ गया, यहाँ पर आ गया वन प्लस ए स्क्वायर अब प्लस कितना बी स्क्वायर बच्चों, यहाँ पे आ गया ए, और सुनो ना टू में से एक गया, एक होगा वन प्लस ए स्क्वायर कितना बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आ गया टू बी, यहाँ पे आ गया माइनस टू ए, यहाँ पे आ गया इतना, ओके है ना। इसको आप अच्छे से उतार लो, ठीक है, पॉज करके उतार लो फिर। अच्छा दिख रहा है ना सबको अच्छे से, बिल्कुल ही सिंपल है, कैलकुलेशन है इसमें, और कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। देखो आगे बढ़ूँ मैं, अब देखो सब यहाँ से क्या होने वाला, तो यहाँ पे आएगा वन प्लस ए स्क्वायर अब प्लस कितना बी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया ज़ीरो। अच्छा देखो तो यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा क्या बच्चों, हाँ सर माइनस कॉमन आएगा, माइनस को बाहर लाओ तो माइनस बी, यहाँ पे बच गया वन, अच्छे से लिखो, यहाँ पर हो गया माइनस बी, यहाँ पर होगा वन प्लस ए स्क्वायर अब प्लस कितना बी स्क्वायर, कम बराबर है, यहाँ देखो ज़ीरो, यहाँ क्या हो गया उतारना है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ तो कुछ नहीं करना, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो यहाँ पे ए इंटू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको उतारो, यह टू बी हो गया, माइनस टू ए हो गया, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अच्छा एक कैलकुलेशन आपको सिखाए थे,
यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो पहला रो में यहाँ भी है यहाँ भी है। अगर यहाँ हो जाता 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉमन हो जाता, तो जीरो है तो जीरो का फ़ायदा उठाते हैं, तो जीरो के बगल में क्या गुना करेंगे, यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ रहता तो पहला रो से बाहर कॉमन ले आते, लेकिन यहाँ है नहीं, तो आपको पता है जीरो के बगल में कुछ भी गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो जीरो के बगल में यदि मैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना करूं तो यह वाला टर्म तो पूरा जीरो ही रहेगा, लेकिन काम क्या बन जाएगा कि पहला रो में यह वाला यह वाला यह वाला कॉमन आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरा रो पर ध्यान दो, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करो, कॉमन लेने के लिए आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, अब तो समझ गए होगे पहला रो से क्या कॉमन आने वाला है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन चला आएगा। दूसरा रो से भी क्या कॉमन आने वाला है बच्चों, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत ही आसान है। अब आप कॉमन लो, ठीक है, हम मिटाते हैं, ऊपर से पॉज कर लो, इसको उतार लो, अब फिर इसको अपने से बनाना है जब पूरा समझ जाओगे तो। ठीक है, अब देखो यहाँ से, हाँ पहला रो से कॉमन लो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा रो से भी कॉमन ले लेंगे तो यही ना आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहला रो से कॉमन लिए फिर यहाँ है, दूसरा रो से कॉमन लेंगे सेम गुना होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा माइनस बी। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा ए, ठीक है, यहाँ बचेगा 2b, यहाँ बचेगा -2a, यहाँ बचेगा इतना। ओके बच्चों, समझ में आ गया। अब आप पहला रो से तोड़ो तो प्लस माइनस और प्लस, इससे तो तोड़ना नहीं है क्योंकि जीरो है, इससे तोड़ना है, तो बताओ क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू प्लस 1 है, हाँ इंटू क्या होगा, यह गया क्या बचा 1 -2a a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी क्या होगा, माइनस बी, यह गया क्या बचा 0 -2b 1 और कितना -2a, आया बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो इसको उतारो जल्दी से, अब सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर हो गया, है ना, अब इनटू में चलो गुना करो तो जरा क्या होगा जी, इसको इससे गुना करेंगे तो 1 इंटू इतना 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ऐसे, माइनस गुना करो इसको -2a² माइनस प्लस कितना हो जाएगा +2a² क्या हो जाएगा +2a² हो जाएगा। ठीक है, बात तो बराबर है ना इतना, चलो माइनस, ठीक है यह माइनस बी है, यह गुना होगा 0 और -2b आई माइनस क्या हो जाएगा +2b। ओके समझ में आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर छूटा जी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ना, अच्छा सबको कैलकुलेशन करो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, अच्छा सुनो ना ऐसा करो कि 1 प्लस 2a² ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस बी स्क्वायर, यहाँ गुना करो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो ध्यान देना, माइनस बी यह गया है ना, और यहाँ पे 2b था बच्चों, है ना 2b था, तो यहाँ पे माइनस होता है ना, माइनस होता कैसे, तो माइनस बी उतर गया, ऐसे गुना करेंगे 0, ऐसे गुना करेंगे -2b, यह क्या हो जाएगा +2b² ठीक है, +2b क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो तो क्या होने वाला, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है ना, बताओ तो क्या होने वाला, 1 प्लस ए स्क्वायर 2b² माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया b² पहले से स्क्वायर था, बेस सेम है, पावर जुट जाएगा, तो आपने क्या देखा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3 बराबर क्या आ गया
RHS है ना। तो आप क्या करो, जल्दी से पॉज करके इसको क्या करो, उतार लो, फटाक से उतार लो, है ना, ताकि हम अगला प्रश्न आपको बता दें। ठीक है, फटाक से उतार लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखो प्यारे, क्वेश्चन नंबर 12 आपको कराए थे, है ना, तो उसको आप देखो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो हम लोग कर लिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी ना बहुत अच्छा प्रश्न है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आता है, 5 नंबर का आएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। देखो तो मैंने प्रश्न को पहले से लिख के रखा है और LHS बराबर यही उतारते हैं, समय किल नहीं हो इसलिए इसको उतार लिए। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है, हमको लाना है 1+a² + b² + c². तो देखो इसमें करेंगे क्या, देखो तो चला, तो लो ध्यान दो, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, अगर बाहर यहाँ भी a होता तो पहला कॉलम से a a कॉमन चला आता। देखो यहाँ, फिर देखो यहाँ, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ भी अगर b बगल में गुना होता तो b b कॉमन चला आता, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, यहाँ भी c गुना होता तो कॉमन चला आता। तो बताओ तो ये पहला कॉलम में से a a a a बाहर आ जाए, इसके लिए यहाँ क्या गुना होना चाहिए, यहाँ भी a होना चाहिए, तब ना a यहाँ है, अगर यहाँ भी a रहे तो a बाहर कॉमन चला आएगा। तो बताओ तो पहला रो में किससे गुना करना पड़ेगा, a से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a गुना हो जाएगा तो a a कॉमन चला आएगा। बताओ तो क्या करना चाहिए, पहला रो में किससे गुना चाहिए, a से, ठीक है, कॉमा। अब बताओ यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, ये दूसरा रो में क्या कम है, यहाँ b कम है, तो दूसरा रो में b से गुना करो, तो क्या करना पड़ेगा, दूसरा रो में b से गुना करना पड़ेगा, तथा अब फिर बोलो, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, तीसरा रो में c नहीं है, तो हम क्या करेंगे, R3 में किससे गुना करना पड़ेगा, c से। ओके, आपको बता ही थे हम, किसी रो में जिस रो को चेंज कर रहे हो उसमें अगर कोई संख्या गुना है तो बैलेंस करने के लिए भाग करना पड़ता है। ठीक है, तो करेंगे क्या, R1 में किससे गुना करना पड़ेगा, a से, तो R1 में a से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि a बाहर में गुना रहेगा, यह हो जाएगा a² + 1, इसमें a से गुना करेंगे तो a² b हो जाएगा, इसको करेंगे तो a² c, क्योंकि आपने R1 में a से गुना किया है तो बैलेंस करने के लिए भाग करना पड़ेगा, R2 में b से, तो क्या होगा, ab² यह क्या होगा, b × b² + 1, अच्छा यह क्या होगा, b² c, चूँकि R2 में b से गुना किए हैं तो भाग करना पड़ेगा, फिर इसमें c से, तो क्या हो जाएगा, c² a, यह हो जाएगा c² b, यही हो जाएगा c² + 1। ओके, और R3 में किसे गुना किया है, C से, तो यहाँ भी C से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अब देखो तो यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A कॉमन कर लें, A A A है ना, A बाहर कॉमन आएगा, तो पहले से नीचा में A B C है, पहला कॉलम से A कॉमन आएगा, दूसरा कॉलम से B कॉमन आएगा, तीसरा कॉलम से C कॉमन आएगा। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ से A कॉमन किए तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा a² + 1, ए बाहर यहाँ बचा b², यहाँ बचा c², फिर यहाँ बोलो यहाँ से b कॉमन किए हैं तो यहाँ बचा a², यहाँ बचा b² + 1, यहाँ बचा c², यहाँ से c कॉमन लिए हैं तो a² बचा, b² बचा, c² प्लस क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, हमको क्या लाना है, तो इसी कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, अब हमको क्या लाना है, 1+a² + b² + c². अब देखो हर जगह a² b² c² आ गया, क्या करें कि 1+a² + b² + c आए, तो ओ R1 में R2 को जोड़ने से 1+a² + b² + c² आता है, नहीं आता है, खाली आएगा 1+a² b², R3 को भी जोड़ देंगे ना तब आ जाएगा 1+a² b² c². ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ, R1 में R2 और R3 को जोड़ेंगे फिर भी 1+a² + b² आ जाएगा, R2 में भी तीनों को जोड़ सकते हैं और R3 में, यहाँ से 3 तरीका है बनाने का। ठीक है, तो चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आप इसको पॉज करके उतार लो, है ना। अब क्या करना पड़ेगा, R1 में तीनों को जोड़ दो या R2 में तीनों को जोड़ दो या R3 में तीनों को जोड़ दो, आंसर सेम ही आना है। तो हम क्या करते हैं बताओ, R1 में तीनों को जोड़ देते हैं, R1+R2+R3 का प्रयोग करने पर, चलो जरूर तो जरा जब जोड़ेंगे तो पता है क्या आएगा, पहला रो में 1+a² b² और कितना c², यहाँ भी आएगा 1+a² b² + c², यहाँ भी आएगा
वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या आएगा बी स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा सी स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ क्या आएगा सी स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा जल्दी जल्दी बोलो बी स्क्वायर, यहाँ आएगा सी स्क्वायर प्लस वन, है ना। अब बताओ सब बच्चा पहला रो में क्या कॉमन आ जाएगा, जल्दी बोलो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमन कर लो बाहर। जैसे ही कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा एक एक आएगा, और जैसे ही एक एक आएगा तो आप एक एक से जीरो बनाना जानते हैं, ठीक है। चलो देखो तो आगे जल्दी से फटाफट देखो। अब देखो तो पहला कॉलम से कॉमन हो जाएगा वन, पहला रो से कॉमन हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा वन, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बोलो वन बी स्क्वायर प्लस वन कितना हो गया सी स्क्वायर। प्यारे बच्चों बी स्क्वायर लुक ऑन द बोर्ड बी केयरफुल। चलो अब घटाओ तो इसमें से सी वन में से सी टू घटाएंगे, यहाँ जीरो आ जाएगा सी टू में से। तो क्या कह रहे थे हम लोग कि C1 में से C2 को घटाना है और C2 में से C3 को घटाना है, ठीक है। तो घटाओ तो जरा जल्दी से फटाफट घटाओ, है ना। तो घटाइए जरा देखो C1 में से C2 को घटाएंगे, C2 में से C3 को जीरो आ जाएगा, घटाइए तो यहाँ से आ जाएगा C1 में से घटाना है C2 को तथा C2 को घटाना है C2 में से घटाना है C3 को, है ना। इतना का प्रयोग करने पर जल्दी से घटाओ तो यहाँ आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। घटाओ तो इसमें से यह घटाना है जीरो बचा, माइनस वन बचा, जीरो बचा, इसमें से ही घटेगा जीरो बचा, वन बचेगा, माइनस वन बचेगा, वन बचा, बी स्क्वायर बचा, सी स्क्वायर प्लस वन आ गया, ओके प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब चलो तो आगे अब इसको तोड़ते हैं इससे पहला रो से, है ना। पहला तोड़ो तो जल्दी से देखो, तो इसे जब तोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो आएगा मेरे पास वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, इनटू में प्लस वन, यहाँ प्लस वन है और यह रो ख़त्म, यह कॉलम ख़त्म, क्या बच गया माइनस वन वन ज़ीरो और माइनस वन, ठीक है। बताओ क्या बचेगा, वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, और प्लस वन, है ना। आई भी क्या होगा माइनस वन इंटू वन, वन माइनस ज़ीरो, वन में वन माइनस ज़ीरो वन ही होगा, वन गुना वन वन ही होगा, तो क्या होगा बच जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आर एच एस, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप इसको उतार लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है अगला करने वाले हैं कि नहीं, तो जरा ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर आगे का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो बहुत अच्छा प्रश्न बताए थे आप लोग को ना, चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो फटाक से इतना को उतार लो पॉज करके, है ना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 था ऐसे, यदि P बराबर नहीं है A के, Q इक्वल नहीं है B के और R बराबर नहीं है C के और तथा P A A B Q B सी सी आर बराबर है कितना ज़ीरो, तो पी बटा पी माइनस ए प्लस क्यू बटा क्यू माइनस बी प्लस सी बटा आर माइनस सी, सी बटा आर माइनस सी का मान निकाले, है ना। इसका आपको इसका मान ज्ञात करना है, इसका है कि नहीं, बस समझ में आया।
और इसको जो छोटू, इसको जो शॉर्ट में है, जो बड़ा सा जो समेशन है, इतना प्लस इतना प्लस इतना, यह जो सम है, यह जो योगफल है, इसको हम सिग्मा में ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे, सिग्मा 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 पी बाई पी माइनस ए, है ना। तो यह पूरा तीनों का मतलब सिग्मा में ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पी ए का कॉम्बिनेशन से जो आएगा प्लस पी क्यू के कॉम्बिनेशन से जो आएगा उसका प्लस सी और आर के जो कॉम्बिनेशन से आएगा सबका योगफल। एक लिख दिए, मतलब जितना पी से ए से बनेगा, क्यू से बी से बनेगा, सी से आर से बनेगा, सबका योगफल, है ना। बात समझ में आ गया। तो इसको जब तोड़ेंगे तो यही आएगा। कैसे करना है? तो जैसे देखो, पी ए का कॉम्बिनेशन है, बी क्यू का कॉम्बिनेशन है, आर सी का कॉम्बिनेशन है, तो उसी प्रकार से इसको पहला को देखकर जो कॉम्बिनेशन उसको तोड़ना है। तो क्या होगा, इसको जब तोड़ेंगे तो आएगा पी बटा पी माइनस ए, फिर आपका क्यू और बी का है, तो फिर क्या होगा, प्लस क्यू बटा क्यू माइनस बी प्लस आर है, आर बटा आर माइनस सी हो जाएगा। ऐसा करना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ ए है, पी माइनस ए, तो यह जो बड़ा सा रूप है इसको हम छोटा में ऐसे कर सकते हैं, कभी कभी छोटा में ऐसे भी आ सकता है। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा इसलिए दिया हुआ है ताकि पी ए के बराबर नहीं होगा, पी ए के बराबर नहीं होगा तो हर में जीरो नहीं होगा, है ना। अगर हर में जीरो हो जाएगा तो प्रश्न गलती हो जाएगा ना, इसीलिए पी ए के बराबर नहीं है। इसी प्रकार से क्यू बी के बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ हर जीरो हो जाएगा, आर सी के बराबर नहीं होना चाहिए जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब यह दिया हुआ है मेन चीज, इससे इसका मान ज्ञात करना है। चलो उसको उतारते हैं, सोल्यूशन देखो तो यहाँ से क्या है। तो ये हो गया आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है, पी ए ए बी क्यू बी सी सी कितना आर, है ना। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, हमको P माइनस ए चाहिए, तो बताओ R1 में से R2 घटाएं कि R2 में से R1 घटाएं। R1 में से R2 घटाएंगे तो P माइनस ए आ जाएगा। Q माइनस बी, Q में से B घटना चाहिए तो R2 में से R3 घटाएंगे, तो P माइनस ए लाने के लिए R1 में से R2 घटाना पड़ेगा और Q माइनस बी लाने के लिए R2 में से R3 घटाना पड़ेगा। तो ऐसा करो तो लिखना पड़ेगा R1 के जगह पे हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 तथा R2 के जगह पर R2 माइनस R3, इतना का प्रयोग करने पर, ठीक है। अब उसका प्रयोग करो जरा, बताओ तो क्या करेंगे, R1 के स्थान पर लिखो R1 माइनस R2, तो क्या हो जाएगा, P माइनस A हो गया, यह क्या हो गया, B माइनस Q, यह क्या, C माइनस C कितना हो गया, जीरो, यह क्या हो गया बच्चों, जीरो, यह क्या होगा, Q माइनस B, यह क्या होगा, C माइनस R। अच्छा, तीसरा रो को तो छोड़ देना है, तो हो गया ए, क्या हो गया, अच्छा इतना बराबर क्या है, जीरो है। अब देखो यहाँ से क्या होने वाला है, देखिए जल्दी से, हो गया। अब तीसरा को उतारना है तो ए बी और कितना आर, अब बराबर कितना, जीरो, ओके। तो हम ऐसे करेंगे तो इसका ये वैल्यू इसी के बराबर होगा। चलो तो यहाँ तक तो उतार लो, बड़ा सिंपल मैंने किया है, इसको अच्छे से उतारना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना है हम लोग को कि इतना का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अब देखो जरा इसमें, अब इसका मान बच्चों ज्ञात करो तो प्लस माइनस प्लस, इसको एक्सपेंड करो, इससे तोड़ने की तो आवश्यकता है नहीं क्योंकि जीरो है। अब इससे इसे तोड़ेंगे तो बताओ क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा पी माइनस ए, यह रो खत्म, यह कॉलम खत्म, क्या बचेगा, बचेगा क्यू माइनस बी, यहाँ बचेगा बी, यहाँ बचेगा आर, यहाँ बचेगा सी माइनस आर, ओके। अच्छा यहाँ माइनस बी, माइनस बी माइनस क्यू, यहाँ क्या बचेगा, यह गया, यह गया, जीरो ए, जीरो ए, अच्छा जीरो ए, यहाँ क्या बचा, सी माइनस आर, सी माइनस आर और कितना आर, बराबर है कितना है, जीरो है, ओके। आ गया इतना समझ में। अब देखो यहाँ से क्या होगा, फटाफट देखो, अब इसका वैल्यू ज्ञात करो तो ये हो जाएगा पी माइनस ए, है ना। इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे तो गुना होगा आर इंटू क्यू माइनस बी, ओके। अब माइनस बी इंटू सी माइनस आर हो गया,
यह वाला ब्रैकेट वाला बंद हो गया, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से माइनस बी माइनस क्यू है ना, ओके, यह तो हो गया ज़ीरो, यहाँ क्या बचेगा, ज़ीरो ज़ीरो माइनस माइनस ए इंटू सी माइनस आर, ब्रैकेट बंद, बराबर कितना, ज़ीरो, ओके। यहाँ तक तो समझ गया है सब। अब देखो यहाँ से क्या होने वाला, देखिए था लाना इतना है। चलो अब आप इसको इसको जो है अंदर गुना करो, तो यह जो है बाहर में सब में गुना होगा, तो क्या बचेगा, यहाँ यहाँ बचेगा R इंटू आर इंटू, यह होगा P माइनस ए क्यू माइनस बी, यह वाला यहाँ गुना होगा माइनस बी पी माइनस ए सी माइनस आर, ओके, अच्छी बात है। यह जब इससे गुना होगा तो ज़ीरो, यह जब इससे गुना होगा ना इससे तो माइनस, हाँ माइनस क्या हो जाएगा, देखो ना ये ब्रैकेट है ना तो अंदर में गुना होगा, ये ब्रैकेट है ज़ीरो इंटू ये गुना होगा इसमें, तो हो जाएगा प्लस कितना ए बी माइनस क्यू इंटू सी माइनस आर, बराबर कितना है, ज़ीरो, ठीक है। अब देखो तो हमको क्या क्या चाहिए, P माइनस ए यहाँ है, Q माइनस बी भी ठीक है, R माइनस सी चाहिए, तो यहाँ क्या है C माइनस आर है, ये गड़बड़ है, तो इसको हम क्या करते हैं R माइनस सी बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बना लो पहले, तो देखो तो क्या होगा R इंटू पी माइनस ए क्यू माइनस बी, माइनस कॉमन लो तो प्लस हो जाएगा B इंटू पी माइनस ए और आर माइनस सी, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा ए इंटू बी माइनस क्यू और आर माइनस सी, बराबर कितना, ज़ीरो आ गया। अब दिमाग लगाना है आपको कि हमको आर के नीचे हाँ चलो आ गया, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ होगा आर होगा, चलो ठीक है यहाँ R होगा। अब बताओ यहाँ से देखो, यहाँ P है तो P, Q है तो Q, यहाँ R, तो अब देखो हमको R के नीचे क्या चाहिए, R माइनस सी, तो बताओ तो P माइनस ए हटना चाहिए, खाली R बचे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, P माइनस ए नहीं रहना चाहिए, कट जाना चाहिए, Q माइनस बी भी कट जाना चाहिए, तो बताओ तो P माइनस ए को कटाने के लिए किससे भाग करना पड़ेगा, P माइनस ए को हटाने के लिए P माइनस ए से भाग करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए Q माइनस बी से भाग करना पड़ेगा, जैसे ही दोनों से भाग करेंगे ये सब कट जाएगा, बचेगा ऊपर में R, नीचे में क्या चाहिए हमको, R माइनस सी, तो आप क्या करो एक ही बार में P माइनस ए से भाग दो, Q माइनस बी से भाग दो और R माइनस सी से, क्यों, यह दोनों कट जाएगा और R माइनस सी नीचे बच जाएगा, तो क्या करने पर बताओ तो P माइनस ए Q माइनस बी और R माइनस सी से क्या करने पर, भाग देने पर, डिवाइड करने पर, भाग देने पर, अब क्या करो भाग दो, जैसे ही भाग देंगे तो बचेगा R बचेगा इससे ही ख़त्म, इससे ही ख़त्म, नीचे क्या बचेगा बताओ, नीचे बचेगा R माइनस सी, देखो ये आ गया, चलो फिर प्लस, सब टर्म में भाग पड़ेगा ना, इसमें भाग पड़ेगा, यहाँ भी भाग पड़ेगा, तो क्या कटेगा, P माइनस ए कटेगा, R माइनस सी कटेगा, बचेगा Q माइनस बी, तो ऊपर में b बचा, नीचे में क्या बचा, q माइनस बी प्लस, फिर बोलो, फिर इसको इसमें भाग देना है b माइनस, ठीक है, ओ यहाँ q माइनस बी है, यहाँ क्या है q माइनस बी, तो यहाँ भी q को पहले लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, q माइनस कितना b, तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, एक और माइनस बाहर आएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, ये बात नहीं समझ में आया, यहाँ माइनस था, हमको यहाँ Q माइनस बी चाहिए था, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पहले से माइनस था, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब भाग देना है इसमें, भाग दो तो क्या बचेगा, इससे भाग देंगे तो Q P माइनस ए नहीं है, Q माइनस बी ख़त्म हो जाएगा, R माइनस सी ख़त्म हो जाएगा, बचेगा A बटा P माइनस ए, अब बराबर कितना, ज़ीरो। अब देखो हमको लाना क्या है, हमको लाना है R बटा R माइनस सी, जो कि है यहाँ लाना है, यहाँ चाहिए हमको क्या चीज़, Q बटा Q माइनस बी, यहाँ क्या है B बटा Q माइनस बी, नहीं लाना है, ऐसा नहीं लाना है, ऊपर में क्या होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए Q। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए P, देखो ना P बटा P माइनस ए,
अब इसको हमको क्या करना है, इसको बनाना है क्यू बटा क्यू माइनस बी। क्यू माइनस बी है लेकिन ऊपर में क्यू नहीं है, इसको बनाना है पी बटा पी माइनस ए। तो नीचे में पी माइनस ए है लेकिन ऊपर में पी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। अब बताओ यहाँ से अगर हम ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ देंगे तब क्या होगा, तो ऊपर वाले में जब नीचे वाले को जोड़ेंगे तो बी से बी खत्म, क्या बचेगा क्यू, क्यू बटा क्यू माइनस बी तो आ गया। फिर ए में नीचे वाले को जोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ए से ए खत्म, पी बटा पी माइनस ए आ तो गया। तो क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला हर ऊपर वाले में जुड़ जाए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे टर्म में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, क्या करेंगे एक जोड़ेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे एक जोड़ेंगे, ठीक है। एक जोड़े हैं तो यहाँ वाला एक अपने मन से जोड़े हैं तो एक घटा लेंगे, यह भी एक अपने मन से जोड़े हैं एक घटा लेंगे, बराबर क्या होगा जीरो। फिर देखो क्या होगा, ये एक से ये कैंसिल हो जाएगा, वही तो बचा बी बटा बी माइनस क्यू बचा, यह एक से यह एक कैंसिल, फर्क नहीं पड़ा, फिर वही बचा। लेकिन काम क्या बनेगा, जैसे ही इसको एलसीएम लेके इसमें जोड़ेंगे तो ऊपर में क्यू बचेगा, कैसे तो बताओ, यहाँ से आर बटा आर माइनस सी हो गया, अब प्लस वन है, इतना में वन से गुना करेंगे तो होगा क्यू माइनस बी, अब प्लस बी, जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या बचेगा क्यू बटा क्यू माइनस बी बचा, अब प्लस यहाँ भी एलसीएम लो तो क्यू यहाँ है ए, अब प्लस पी माइनस ए, ए से ए खत्म, पी बटा कितना पी माइनस ए, अब माइनस वन माइनस वन माइनस टू बराबर कितना जीरो। अब बताओ यहाँ से आंसर क्या आ गया, यहाँ से आंसर आ गया, सर या के लिखो तो इसको, तो क्या होगा पी बटा पी माइनस ए, अब प्लस कितना बताओ क्यू बटा क्यू माइनस बी, अब प्लस कितना आर बटा आर बटा आर माइनस सी बराबर कितना आ गया, इधर आएगा माइनस टू है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टू। आपको बताए थे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे सिग्मा सिग्मा पी बटा पी माइनस ए का वैल्यू कितना आ गया दो, इसका वैल्यू कितना आ गया दो आ गया। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आएगा आपको, लेकिन कंपटीशन में आएगा, है कि नहीं। तो आप इसको अच्छे से उतार लो, समझ लो, पॉज कर लो, फिर एक बार देखो इसको, रिवीजन करो, फिर उतारो। अब हम क्या करने वाले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले, तो इसको आप उतार लो, यहाँ तक कराए थे इसको आप उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। तो बच्चों बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपने 13 तक देखा, बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 14 का क्या है, 14 का 1, 14 का 2, 14 का 3 और 14 का क्या है 4 है। तो आपको क्या करना है, ये जो 14 नंबर प्रश्न है इसमें 4 प्रश्न है, और चारों प्रश्न को आप क्या करो, कैमरा जो आपका मोबाइल है उसको पॉज करो, पॉज करने के बाद ये चारों प्रश्न को उतारो, जल्दी से उतारो। हम बारी बारी से सबका सॉल्यूशन को बताते जाते हैं, बहुत छोटा छोटा प्रश्न है कि नहीं, तो आप फटाक से उतार लो इसको, ठीक है, जल्दी से उतार लो, हट जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर एक से शुरू करते हैं, ना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 फिर हम लोग खत्म करेंगे इसको, ठीक है। देखो तो पहला का सॉल्यूशन क्या होगा, हमको लाना क्या है 1 + a1 + a2 + a3, ठीक है। तो बस हम लोग करेंगे यहाँ से क्या बताना, 1 का सॉल्यूशन होगा LHS बराबर है कितना 1 + a1 a1 और कितना a2 1 + a2 और कितना a2, यहाँ हो जाएगा a3 1 + a3। हमको क्या करना है 1 + a1 + a2 + a3 लाना है, तो आप क्या करो R1 में R2 R3 को जोड़ो तो नहीं काम बनेगा, आप ना C1 में C2 और C3 को जोड़ो। तो क्या करने पर, C1 में C2 और C3 को जोड़ने पर, आप C2 में भी तीनों को जोड़ सकते हैं आंसर आ जाएगा, आप C3 में भी तीनों को जोड़ सकते हैं आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तीन तरीके से बनेगा, इतना का प्रयोग करने पर, प्रयोग करो इतना का तो क्या होगा, जल्दी से बताना, यहाँ होगा a1 + a1 + a2 + a3, यहाँ भी होगा a1 + a2 + a3, यहाँ भी होगा a1 + a2 + a3। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a2, यहाँ हो जाएगा 1 + a2, यहाँ हो जाएगा a2, ठीक है, यहाँ हो जाएगा a3, यहाँ हो जाएगा a3, यहाँ हो जाएगा 1 + a3, ठीक है। पहला कॉलम से क्या कॉमन आ जाएगा, है ना, पता चल गया है ना, तो जल्दी से आप इसको उतार लो, पॉज करके हट गए, है ना, जल्दी से उतार लीजिए। देखो सब, अब बताना, पहला कॉलम से कॉमन लेगा 1 + a1 + a2 + a3 कॉमन हो गया,
अच्छी बात है। चलो यहाँ बचा वन वन वन, यहाँ क्या बचा ए टू, वन प्लस ए टू, यहाँ बचा ए टू, यहाँ बचा ए थ्री, ए थ्री, यहाँ बचा वन प्लस ए थ्री। ठीक है, ऐसा है ना। अब आप क्या करो, आर वन में से आर टू को घटाओ, तो आर वन को रिप्लेस करना पड़ेगा आर वन माइनस आर टू, तथा आर टू को लिखना पड़ेगा आर टू माइनस आर थ्री। इतना का प्रयोग करने पर तो बताओ वन प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस कितना ए थ्री हो गया। अब आप इसको घटाओ तो आर वन में से आर टू यह बच जाएगा ज़ीरो, यह घटेगा तो माइनस वन बचेगा, यह ज़ीरो बचा, हाँ घटाओ यह बचा वन, यह बचा माइनस वन, ओके, यहाँ बचा वन, यहाँ बचा ए टू, यहाँ बचा वन प्लस ए थ्री। यहाँ तक तो उतार लो, है ना। अब देखो नीचे क्या बचा। देखो तो प्लस माइनस प्लस, इसे तो तोड़ना नहीं है क्योंकि जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। इसे भी नहीं तोड़ना है क्योंकि जीरो हो जाएगा। अब बताओ वन प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस कितना ए थ्री, फटाफट बोलो। माइनस माइनस प्लस वन, तो इन टू में प्लस वन हो जाएगा। यह ख़त्म, तो क्या बचा, यह गायब बचा ज़ीरो माइनस वन, है ना। यह गायब हो गया और यह गायब हो गया, तो यह बचा और यह, ठीक है। अब बचा यहाँ वन, वन प्लस कितना ए थ्री, ओके। अब बताओ वन प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री आ गया, है ना। वन है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको तोड़ो तो ये हो जाएगा ज़ीरो माइनस वन गुना माइनस वन, कितना माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वन गुना कुछ भी, क्या होगा वन प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री बराबर क्या आ गया RHS, प्रूफ हो गया ना बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, जल्दी से उतार लो, फिर हम अगला क्वेश्चन नंबर टू कराने वाले, फट से उतारो, है ना, जल्दी से उतार लीजिए, बहुत आसान है प्यारे बच्चों। अब देखो 14 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन नंबर दो, देखो यही ना प्रूफ करना था, यही ना सिद्ध करना था, इतना इतना बराबर है, इतना प्रूफ करना था। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो मैंने LHS को उतार लिया। अब देखो बाहर में क्या गुना है, ए बी सी गुना है, तो बाहर में हमको ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ से आप क्या करो बच्चों, कि हमको बाहर में ए चाहिए तो हम पहला जो कॉलम है, पहला जो रो है, उससे ए क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे। तो पहला ए से, पहला जो है उससे जब ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ज़रा सोचो। पहला कॉलम से जब ए, जो पहला कॉलम है इससे जब ए बाहर कॉमन खींचेंगे तो क्या बचेगा, ए तो बाहर आया, लेकिन कैसे बाहर आया, तो यह जो वन है यह हो जाएगा वन बाई ए, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस वन, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से ए गया है तो नीचे में क्या बचेगा, ए बचेगा, यहाँ भी क्या बचेगा, ए बचेगा। आया बात समझ में। तो पहला रो से क्या कॉमन ले लिए हम लोग, ए कॉमन लिए, ए कॉमन लिए, तो जहाँ ए नहीं है वहाँ बटा में ए चला गया, जहाँ ए है वहाँ ए आ गया, है ना। तो इस प्रकार से आप, इसी प्रकार से दूसरा रो से क्या कॉमन लो, बी कॉमन लो, क्योंकि बी है, तो यहाँ क्या बचेगा, तो बी तो बाहर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा वन है, तो वन बाई बी, यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ वन है तो वन, अब बी के वन है तो वन बाई बी, अब प्लस कितना वन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा वन बाई बी। आया बात समझ में। अब बाहर सी चाहिए तो सी कॉमन लेंगे तीसरा रो से, तो यहाँ वन बाई सी, वन बाई सी, यहाँ वन बाई सी, अब प्लस कितना वन होगा, है कि नहीं, ऐसा आ गया, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाहर में आ गया ए बी सी। अब क्या करना है हम लोग को, फिर चाहिए वन बटा ए, वन बटा बी, वन बटा सी प्लस वन। तो अब क्या करो, आप आर वन में आर टू व आर थ्री को जोड़ दो। आर वन में नहीं जोड़ने का मन है तो आप आर टू में जोड़ सकते हो, आर टू में नहीं जोड़ने का मन है तो आप आर थ्री में जोड़ सकते हैं। तो तीन तरीका से बनेगा, आप किसी एक तरीका को लगा लो। तो क्या करना पड़ेगा, आर वन में जोड़ना पड़ेगा आर टू प्लस किस को, आर थ्री को। तो जब जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, ए बी सी आएगा, है ना, जोड़ो तो आएगा वन प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी। इसे यहाँ भी जोड़ेंगे तो आएगा वन प्लस
वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी बचा। अच्छा यहाँ भी आएगा वन प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी आ गया। इस सबको उतारना है, वन बाई बी वन बाई सी, यहाँ क्या आएगा वन बाई बी प्लस वन वन बाई सी, यहाँ भी क्या होगा वन बाई बी वन बाई सी प्लस वन। ठीक है, अब ले लो तो कॉमन जरा, है ना। तो यहाँ तक तो आप पहले आसानी से उतारो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान देना। यहाँ तक उतार लीजिए पॉज करके। चलिए अब बताओ, पहला रो में सब कॉमन है बाहर लो, तो यहाँ पे क्या आ गया ए बी सी, वो भी कॉमन होगा वन प्लस वन बटा ए प्लस वन बटा बी प्लस वन बटा सी। अंदर में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक वन बाई बी वन बाई सी, यहाँ भी एक, यहाँ वन बाई बी प्लस वन, यहाँ क्या बचेगा वन बाई सी, यहाँ वन, यहाँ बचेगा वन बाई बी, यहाँ बचेगा वन बाई सी प्लस वन। उसके बाद वन वन है तो क्या करना चाहिए, सी वन में से सी टू तथा सी टू में से सी थ्री को घटाएंगे तो क्या होगा ए बी सी वन प्लस, घटाओ जल्दी से, घटाओगे तो ज़ीरो ही, घटाएंगे तो माइनस एक ज़ीरो, घटाएंगे तो ज़ीरो, घटाएंगे तो एक, घटाएंगे तो माइनस एक वन, वन बाई बी वन बाई सी प्लस वन, है ना। इसको जब तोड़ोगे ना तो इसका वैल्यू देखो प्लस माइनस प्लस, इससे जब तोड़ोगे तो एक टोटल का वैल्यू एक आएगा, है ना, एक आएगा। तो ए बी सी तोड़ना अपना आएगा वन प्लस वन बाई ए वन बाई बी और वन बाई सी, और इस सब का वैल्यू एक आएगा। कैसे, यह ख़त्म यह ख़त्म, माइनस वन गुना माइनस वन, वन में से जीरो गया वन ही रहेगा, इसका वैल्यू तो वन आ गया, इतना आंसर आ गया, बराबर क्या आ गया आर एच एस। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके उतार लो। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का तीन नंबर करने वाले, तो आप इसको पॉज करके ना अच्छे से उतार लो बच्चों, है कि नहीं। अब देखो 14 का तीसरा नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे उतारा हुआ है, है ना, ये मिलाओ तो सही है ना। देखो अब इसको बनाना है, तो देखो इससे पहले वाले जो प्रश्न नंबर बच्चों दो कराए थे वहाँ पे फ़र्क है, यहाँ ए था यहाँ बी था यहाँ सी था, वही प्रश्न है, खाली मैंने ए के जगह पे क्या डाल दिया ए वन, बी के स्थान पर क्या डाल दिया ए टू, और सी के स्थान पर क्या डाल दिए ए थ्री, वही प्रश्न है और कुछ नया नहीं है। तो पहला रो से क्या कॉमन लेंगे, एकदम सेम तरीका, पहला रो से ए वन कॉमन लेंगे, ए वन कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक बटा ए वन, यहाँ क्या बचेगा प्लस वन, है ना। यहाँ पहला रो से जब ए वन कॉमन गया तो नीचे में यहाँ एक है तो नीचे में क्या बचेगा ए वन, यहाँ भी क्या बचेगा ए वन, है कि नहीं, तो बात पता है। दूसरा रो से क्या कॉमन लेंगे ए टू, क्योंकि हमको ए टू चाहिए, फिर यहाँ आ जाएगा एक बटा ए टू वन बटा ए टू प्लस वन, है ना, यहाँ क्या बचेगा वन बटा ए टू, है ना, ए वन ए टू। तीसरा रो से क्या कॉमन लेंगे ए थ्री, तो यहाँ बचेगा ठीक है, हमको चाहिए वन प्लस वन बटा ए वन प्लस वन बटा ए टू प्लस वन बटा ए थ्री, तो आप क्या करो तीनों को जोड़ो, सेम तरीका से बनेगा। यहाँ भी तीन तरीका है, R1 में भी आप तीनों को जोड़ सकते हो, R2 में भी तीनों को जोड़ सकते हो, और R3 में भी कर सकते हो। जोड़ेंगे हम लोग तो क्या आएगा,
सहोदन। चलो अब देखो तो कॉमन लो तो कुछ कॉमन होगा क्या बच्चों? हाँ, पहला कॉलम में, पहला कॉलम नहीं, पहला रो में जो है ना यह सब कॉमन है। कॉमन लो बाहर A1, A2, A3 है ना, एकदम सेम अगला वाले प्रश्न, पिछला जो प्रश्न बताए थे ना उसी तरीके से यह बनेगा। चलो कॉमन क्या आएगा, 1 ठीक है। अब घटाओ C1 में से C2, C2 में से C3 घटाना पड़ेगा। इस सब का वैल्यू तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, इतना गुना 1 इतना ही रह जाएगा। तोड़ना तुम कैसे, प्लस माइनस प्लस, इससे टूटेगा नहीं, खाली टूटेगा तो 1 आएगा। बराबर RHS, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 था, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले आप इसको उतार लो, दोनों प्रश्न सेम ही था, है कि नहीं, 2 और 3 सेम था, जल्दी से उतारा जाए बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, 14 नंबर का चौथा नंबर प्रश्न है ना, इस पर हम लोग इसको सॉल्व करने वाले, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको NC1, NC2, NC3 का मान निकालने आना चाहिए। तो आपको बेसिक में हम बताए थे, आपको याद होना चाहिए, ऐसे मैंने कहा था, ऐसे कैसे याद है कि प्यारे बच्चों, अगर आपको 3C2 का मान निकालना है तो आपको क्या करना है, 3 को घटते हुए क्रम में लिखना है 2 अंक तक, तो 3 हो गया, और 3 में से 1 गया 2 हो गया, अब बटा नीचे जो है उसका फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुना 2, यानी 2, तो बताओ कितना बचा, 3 गुना 2 बाई 2 ख़त्म, कितना 3 बचा, समझ आ गया ना सर। चलो अगर क्या करना है, देखो अगर 3C1 है तो क्या करना है, 3 को लिखना है घटते हुए क्रम तक, घटते हुए क्रम में 1 अंक तक, तो 3 उतर जाएगा। अब फैक्टोरियल 1, अब फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है, यानी कितना हो गया, 3 हो गया, है कि नहीं। इस प्रकार से करना है, तो जैसे मेरे पास MC1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ M, और नीचे में फैक्टोरियल 1, इसका मतलब M हो गया। अगर MC2 है, इसका मतलब क्या हुआ, M को लिखना है 2 अंक तक घटते हुए क्रम में, M × M-1, अब बटा फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 हो गया। अच्छा MC3 है, इसका मतलब 3, M को लिखना है 3 अंक तक घटते हुए क्रम में, तो M उससे एक कम, फिर इससे एक कम, M-2 बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3, यानी कितना 6 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से सब हो जाएगा। तो बताओ इसका मान ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, बताओ इसके जगह पे क्या आएगा, MC1 है तो M हो जाएगा, जैसे वहाँ पढ़े हैं, NC1 है तो N हो जाएगा, PC1 है तो P हो जाएगा। अब यहाँ 2 है तो M को 2 अंक तक घटते हुए क्रम में, तो M × M-1 / 2,
एन की जगह पे एन है, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। फिर देखो पी इंटू पी माइनस वन बाई टू, ठीक है। अब इसको एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू बाई सिक्स, इसको देखो ना, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बाई सिक्स, पी इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू बाई सिक्स। आया बात समझ में? अब देखो कुछ कॉमन होने वाला है, तो पहला रो में जो है एम एम कॉमन हो जाएगा, दूसरा रो में एन एन कॉमन हो जाएगा, तीसरा रो में पी पी। तो पता है क्या कॉमन आएगा? कॉमन आएगा एम एम एन और कितना पी। अच्छा एक बटा टू यहाँ भी, एक बटा टू यहाँ भी, एक बटा टू, तो एक बटा टू भी कॉमन आएगा, एक बटा छ भी कॉमन आएगा, है ना। जब सब निकल गया तो यहाँ बचेगा, पहला रो से एम कॉमन है तो यहाँ बचा एक, यहाँ बचा एम माइनस वन, टू तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, एम बाहर चला गया, छ बाहर चला गया, यहाँ बचा एम माइनस वन और एम माइनस टू। ओके यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा एन माइनस वन, यहाँ बचेगा एन माइनस वन एन माइनस टू, ठीक है। यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा पी माइनस वन, यहाँ बचेगा पी माइनस वन पी माइनस टू। ओके यहाँ तक आप सब क्या करो, उतार लो। अब बगल में जो रफ किए हैं ना बच्चों, वो तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप इसको उतार लो, ठीक है। अब देखो अब बन गया, बहुत आसान है। अब वन 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 दिख गया तो घटा लेंगे, आर वन में से आर टू, आर टू में से आर थ्री, है ना। पहले इसको उतार लो, इसको मिटा देते हैं। अब देखो आर थ्री ऐसा करो तो हो जाएगा एक बटा बारह एम एन पी, घटाओ एक में से एक गया जीरो, इसमें से ही घटाएंगे एम माइनस वन में से, जब घटाएंगे एन माइनस वन, वन से वन खत्म, एम माइनस एन बचेगा, तो बचेगा एम माइनस एन। अच्छा इसमें से ही घटाना है तो एम माइनस वन एम माइनस टू माइनस एन माइनस वन एन माइनस टू घटाना है ना, तो इसको पहले गुना करो, एन स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू माइनस एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू, ठीक है। और देखो कुछ होगा क्या, तो ये देखो एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू, माइनस अंदर भेजो, एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस टू, माइनस टू से टू गया, यह इसके साथ यह इसके साथ, क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ से माइनस तीन कॉमन लो एन माइनस एन। इसका फॉर्मूला तोड़ो तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला एन माइनस एन एम प्लस एन माइनस थ्री एम माइनस, देखो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी एम माइनस एन यहाँ भी एम माइनस एन, एम माइनस एन कॉमन लिए, बचा एम प्लस एन माइनस थ्री, है ना। इसी के तर्ज पर आर वन में से आर टू घटाएं, इसमें से यह घटाएं तो इतना बचा, यहाँ लिखो तो क्या 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 बचा, इसको आप लिखो तो लिखेगा एम माइनस एन और कितना m प्लस एन माइनस थ्री, ठीक है। अब देखो अगर हम r2 में से r3 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ज़ीरो, ठीक उसी प्रकार से इसमें से ही घटाएंगे तो यहाँ m n था, यहाँ n p है, तो बचेगा n माइनस पी, सिमिलरली n माइनस पी बचेगा। अब देखो इसमें से घटाए थे तो यहाँ m था n था, यहाँ n है p है, तो इसमें जहाँ जहाँ m है वहाँ n का दो, जहाँ n है वहाँ p का दो, तो बचेगा n माइनस पी। उसके बाद सिमिलरली इसी तरीके से n प्लस पी माइनस थ्री, है ना।
और नीचा बचेगा 1 पी माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा पी माइनस 1 और पी माइनस 2। ठीक है, तो ये तो बात यहाँ तक समझ में आ गया कैसे हो गया, है ना। अब देखो, देखा जाए m माइनस n यहाँ भी है, m माइनस n यहाँ भी है, अगर m माइनस n यहाँ भी होगा कॉमन चला आएगा, तो ये जो जीरो है इसको बगल में लिख सकते हैं हम m माइनस n। अच्छा, यहाँ n माइनस p है, यहाँ भी लिख सकते हैं हम n माइनस p, कोई दिक्कत। अब पहला रो में क्या कॉमन हो गया, 1/12 m n p, पहला रो में m माइनस n कॉमन हो गया, है ना, m माइनस n कॉमन हो गया। यहाँ से क्या कॉमन हो गया, n माइनस p, बचा क्या, तो उतारो, यहाँ तो जीरो है, यहाँ एक बचा, यहाँ क्या बचा m प्लस n माइनस 3, यहाँ जीरो, यहाँ एक बचा, यहाँ बचा m प्लस 3 माइनस 3, यहाँ एक p माइनस 1, और यहाँ कितना p माइनस 1 p माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस प्लस हो गया, बन गया। देखो 1/12 m n p m माइनस n n माइनस p, है ना, इसे नहीं तोड़ना है, इसे नहीं तोड़ना है, इसे तोड़ना है, तो प्लस 1 इंटू, है ना, यह ख़त्म, क्या बचा 1 m प्लस n माइनस 3 n आ गया, ऐसे 1/12 m n p m माइनस n n माइनस p, है ना, आई तो प्लस वन ही रहेगा। अब घटाओ इसको, इसको सिंप्लीफाई करो, m प्लस p माइनस 3, आई ई घटेगा माइनस m माइनस n प्लस 3, है ना, कुछ कटेगा क्या, 3 से 3 गया और n से n गया, p माइनस m बचा, क्या बचा, तो यहाँ से आ गया 1/12 m n p m माइनस n n माइनस p, आया बचा p माइनस n, यही आ गया इसका उत्तर, है ना। तो आप इसको उतार लो। अब हम टाइप 3 का प्रश्न करेंगे, सारणिक युक्त, मतलब सारणी में समीकरण दिया रहेगा, अब उसको क्या करना है, हल करना है, नहीं उसके बाद ना पूरा किताब से आपको 4.1 या 4.2 जाके बना लो, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा 10 मिनट और हम लोग क्लास करेंगे, उसके बाद सारणिक युक्त समीकरण को कैसे हल करेंगे ये हम लोग जानेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले की तरह बनेगा, ठीक है। तो आप इसको उतार लो पॉज करके, जल्दी से बच्चों पॉज करके आप इसको उतार लो, फटाफट उतार लो ना। अब देखो प्यारे बच्चों, टाइप 3 का जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है ना, तो ध्यान दो, टाइप 3 का प्रश्न है लिखा हुआ सारणिक युक्त समीकरण को हल करें, मतलब सारणिक में समीकरण दिया हुआ है ना, इतना बराबर जीरो एक सारणी का समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को हल करके ना इसमें जो अज्ञात राशि है x है उसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो इतना बराबर जीरो क्या हुआ, इसको तोड़ेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, x का मान आ जाएगा, एक समीकरण बनेगा, तोड़ने पे समीकरण को हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा, बस x का मान निकालना है। तो चलो हम क्या करते हैं, एक प्रश्न को बनाते हैं, दो को बनाते हैं, तीन को बनाते हैं, और चौथा तुम घर पे बनाना, चौथा का आंसर तुम लिख लेना, इसका आंसर आएगा x इक्वल टू कितना 4 आएगा, है कि नहीं। तो देखो बच्चों बनाते हैं, है ना, बारी बारी से देखिए, पहला कैसे बनेगा, तो सारा नियम वही लगेगा, सारे नियम कानून वही होगा, है ना। देखो 1 का सॉल्यूशन, इतना बराबर क्या है जीरो है, इतना बराबर क्या है जीरो। अब बताओ यहाँ से अगर मैं इसमें इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर तीनों को जोड़ेंगे R1 में R2 और R3 को जोड़ेंगे तब क्या आएगा, ए ए ए 3A, ए गो एक्स से ए गो एक्स गया, बचा माइनस एक्स, तो बचेगा 3A माइनस एक्स, तो क्या करना पड़ेगा, R1 में जोड़ना पड़ेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी में जोड़ूंगा तो पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा 3A माइनस एक्स, इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3A माइनस एक्स, यहाँ भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3A माइनस एक्स। अच्छा आपने R2 को उतार दो तो क्या होगा, A माइनस एक्स
ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स बराबर कितना, ज़ीरो। अब क्या करो, थ्री ए माइनस एक्स क्या ले लो, कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, थ्री ए माइनस एक्स कॉमन ले लो, बचेगा वन ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, वन ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, वन ए माइनस एक्स और कितना, ए प्लस एक्स बराबर कितना, ज़ीरो। अब घटाओ, ऐसा करो, घटाओगे तो ज़ीरो इसमें से ही घटेगा तो माइनस टू एक्स बचेगा, इसमें से ही घटेगा तो ज़ीरो बचेगा, ज़ीरो घटेगा तो टू एक्स बचेगा, ई घटेगा माइनस टू एक्स बचेगा, वन ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स बराबर कितना, ज़ीरो। ओके, समझ में आ रहा है। अब प्लस माइनस प्लस तो ये हो गया 3a माइनस एक्स, अब इसको तोड़ेंगे प्लस वन से, है ना, तो क्या होगा, a गया यह गया, क्या बचा, माइनस टू एक्स, टू एक्स ज़ीरो माइनस कितना, टू एक्स बराबर कितना, ज़ीरो, है ना। अब देखो 3a माइनस एक्स और प्लस वन है तो वन ही रहेगा, इसको गुना करो तो फोर एक्स स्क्वायर और माइनस ज़ीरो, लिखना नहीं, ज़ीरो हो गया, माइनस ज़ीरो घटेगा तो फोर एक्स बराबर कितना, ज़ीरो। अब इसको बारी बारी से चार को उधर भेजो, थ्री ए माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर ज़ीरो, दो टर्म का गुना ज़ीरो है, इसका मतलब थ्री ए माइनस एक्स बराबर ज़ीरो होगा या एक्स स्क्वायर बराबर ज़ीरो, यहाँ से ज़ीरो करेंगे तो एक्स बराबर थ्री आएगा और एक्स स्क्वायर बराबर ज़ीरो तो एक्स बराबर कितना, ज़ीरो, तो x का वैल्यू आ गया कितना, 3a और कितना, 0। सॉल्व करने का मतलब होता है अज्ञात राशि का मान निकालना, अज्ञात राशि कौन था, x था, तो x का मान आ गया 3a और 0, है ना, हल करना था यानी x का मान ज्ञात करना था, तो बिल्कुल पहले की तरह है, कैलकुलेशन वही है, खाली बराबर 0 दिया हुआ, x का मान निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों दो देखो, ठीक है, इसको उतार लो, अब देखो यह वाला, अब हो गया ख़त्म है, इसका दो नंबर देखो, देखो तो C1 में C2 को और C3 को जोड़ो, तो C1 में C2 को C3 को जोड़ेंगे, देखो तो क्या आएगा, तो आ जाएगा x a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ जाएगा x a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ जाएगा x ए प्लस बी प्लस सी, अब इसको उतारना है, बी एक्स प्लस बी, बी सी सी, एक्स प्लस सी बराबर कितना, ज़ीरो, कॉमन ले लो, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, है ना, कॉमन ले ली, बाहर आ गया, कॉमन ली, चलो इनटू में क्या बचेगा, वन वन वन, बी एक्स प्लस बी, बी सी सी, एक्स प्लस सी बराबर कितना, ज़ीरो, है ना, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बराबर में R1 में से R2 घटाओ, R1 में से R2 तथा R2 में से R3 घटाओ, तो यहाँ बचेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, है ना, अच्छा, और जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, ज़ीरो, ये घटेगा तो ये बचेगा ज़ीरो, बचेगा ज़ीरो, इसमें से ही घटेगा तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स, बचेगा ज़ीरो, ये घटेगा तो ज़ीरो, उसके बाद ये घटेगा तो बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा, घटेगा तो माइनस एक्स, और यह बचेगा वन बी एक्स प्लस कितना, सी बराबर कितना, ज़ीरो, है ना, चलो अब इससे तोड़ो इसको, प्लस माइनस प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, आई प्लस वन है इनटू में, प्लस वन गुना में नहीं है, हाँ गुना में, प्लस वन इनटू, बताओ यह ख़त्म, यह ख़त्म, क्या बचेगा,
माइनस एक्स जीरो, एक्स और माइनस एक्स बराबर कितना जीरो आ गया। अब ऊपर से मिटाते हैं, तो जल्दी से उतार लो। चलो तो ये हो गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब वन है तो लिखना नहीं है, गुना करो। माइनस एक्स माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस कितना जीरो बराबर जीरो। यहाँ से क्या आ गया, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इन टू एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। इसको जीरो करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसको जीरो करेंगे तो जीरो। यही उत्तर अपना आ गया। ठीक है, जल्दी से उतार लो। अब देखो तो यह वाला चक्रीय सारणिक है ना, साइक्लिक डिटरमिनेंट है ना, बताए थे ना, वन ए ए का स्क्वायर, वन बी बी का स्क्वायर, वन सी सी का स्क्वायर। तो ए के जगह पे एक्स है, बी के जगह पे ए है और सी के जगह पे बी है। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना, देखिए नंबर तीसरा का सॉल्यूशन, वन एक्स एक्स स्क्वायर, वन ए ए स्क्वायर, वन बी बी स्क्वायर बराबर ज़ीरो है ना। अब वो बताए थे ना, यहाँ पे हो जाएगा एस एक्स ए और बी एक्स माइनस ए। इसको जब तोड़ेंगे तो आएगा एक्स माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस एक्स बराबर ज़ीरो। या तो कांस्टेंट टर्म है, इधर जीरो हो जाएगा, जिसमें एक्स है वह वेरिएबल है। तो एक्स माइनस ए बचा, बी माइनस एक्स बचा, ये तो जीरो हो गया। अब इसको जीरो करेंगे तो एक्स बराबर ए, इसको जीरो करेंगे तो बी, बस यही उत्तर आ गया है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, अब यह आज का पढ़ाई ख़त्म हो गया, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को पूरा ख़त्म कर दिए हम। ठीक है, अब हम 4.3 पढ़ाएंगे आपको। तो आपका काम है जितना भी आज हम क्वेश्चन दिए हैं उसको दो बार तीन बार घर पे खुद से प्रैक्टिस करना है, और एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 रिवीजन करना है। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, आपको एक्सरसाइज 4.3 का थ्योरी ख़त्म कर देंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। तो अब एक आध दो क्लास और इसमें चलने वाला है, डिटरमिनेंट अब ख़त्म होने वाला। तो आप लोग क्या करो, आज जो भी प्रश्न बताए हैं उसको आप दो बार तीन बार रिवीजन करो। और हाँ प्यारे बच्चों, टेस्ट का भी तैयारी करें, डिटरमिनेंट चैप्टर ख़त्म होगा और हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो चलो आज तक इतना ही। तो बढ़िया से पढ़िए आप लोग, अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।